हेलो डियर पेरेंट्स, वेलकम टू बेबी फ्लेवर्स। आज हम बात करने वाले हैं बच्चों को देने वाली घुट्टी के बारे में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कैसी घुट्टी की रेसिपी, जो कि अगर आप बच्चों को बना के खिलाते हैं तो बच्चों के बहुत सारी प्रॉब्लम्स में ये हेल्प करती है। जो भी बच्चों को शरीर में होने वाली प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे उनको कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है, लूज मोशन होते हैं, फीवर होता है, कोल्ड होता है, कफ होता है, ड्राई कफ होता है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें हम हर बार डॉक्टर के पास जाते हैं, बच्चों को दवाई खिलाते, कई बार आराम मिलता है, कई बार नहीं मिलता है। बट ये एक ऐसी आयुर्वेदिक चीज़ लेकर आई हूँ, मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि मैं अपने बच्चे को भी देती हूँ। जब भी मेरे बच्चे को वायरल कुछ भी होता है या बदलते मौसम में सर्दी जुकाम खांसी होता है, तो मैं इस बाल घुट्टी का यूज़ करती हूँ। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ, ये देखिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है। फुल इन्फॉर्मेशन के साथ आप इसे ले सकते हैं, ये ईजीली मिल जाती है, आप इसे किसी भी मेडिकल से या फिर आप इसे ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। तो मैंने भी इसे ऑनलाइन परचेस किया था, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ये देखिए, ये 20 तरह की जड़ी बूटियों से मिलकर बना हुआ होता है, और इसमें एक किताब आती है, उसमें सारा सब कुछ दिया होता है, सबके बारे में आपको दिया होता है कि आपको कब कितनी मात्रा में कैसे देना है, कैसे बनाना है इसे, ये सारी इन्फॉर्मेशन इसमें दी होती है। तो आप उसको पढ़कर अपने बच्चे को दे सकते हैं। और बहुत सारी इसमें चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हम डेली बेसिस में भी बच्चे को दे सकते हैं, जैसा कि 6 महीने के बाद डॉक्टर भी बोलता है कि 6 महीने के बाद हम अपने डॉक्टर की सलाह से बच्चे को एक घुट्टी दे सकते हैं। रेगुलर बेस में हम जैसे बादाम देते हैं, जायफल देते हैं, छुहारा देते हैं, ये भी हम रेगुलर बेस में बच्चे को देते हैं 6 महीने के बाद। लेकिन आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी घुट्टी की रेसिपी, जैसे कि हम बच्चों के खांसी जुकाम सर्दी फीवर, इस ये ऐसा होता है कि कई बार बदलते मौसम में, बारिश के मौसम में फीवर बच्चों को हो जाता है, खांसी जुकाम हो जाती है, बहुत ज़्यादा कफ कोल्ड हो जाता है, तो वो सारी चीज़ों के लिए मैं आज आपके लिए कैसी इसी मैं होम रेमेडी लेकर आई हूँ। ये देखिए, इस तरह की किताब मिलती है, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी होती है बच्चों को क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं और क्या क्या आपको कब कब देना है। ये देखिए सारा आप इसमें पढ़कर और अपने बच्चे को दे सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है ये घुट्टी। लेकिन मानिए, मैं इसे ट्राई कर रही हूँ काफ़ी समय से, मेरे बच्चों को जब भी कोई समस्या होती है, कोई प्रॉब्लम्स होती है, तो मैं उन्हें ये बना के देती हूँ, और ये बहुत जल्दी असर भी करती है और ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है बच्चों की बॉडी के लिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। और जो भी चीज़ें होती हैं हमारे बच्चे की बॉडी के अंदर, जो भी दिक्कतें होती हैं, उनको धीरे धीरे करके ये कम कर देता है, और एक तरीके से ये बच्चे का पूरा जो भी समस्याएँ होती है उसको जड़ से ख़त्म कर देता है। ये देखिए, ये इस तरह से ये पिक्चर्स दी होती है जड़ी बूटियों के, और उसके नीचे इनके नाम भी दिए होते हैं, तो आप पिक्चर्स देख के, नाम देख के भी इसे समझ सकते हैं कि कौन सी चीज़ है ये और कब हमें देना है, कैसा, इसमें सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो ये जितना भी पिक्चर्स देख के आप देख सकते हैं कि इनका क्या नाम है और ये जड़ी बूटी को क्या बोलते हैं। ये देखिए, ये इस तरह से पैकेट में बंद आता है और ये काफ़ी समय तक चलता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी अलग अलग समस्याओं के लिए अलग अलग इसमें चीज़ें हैं, तो आप वो किताब में पढ़ के जो भी आपके बच्चे को समस्या होती है उसकी आप उसे घुट्टी बना के दे सकते हैं। ये देखिए, मैं प्लेट में निकाल के दिखा देती हूँ एक बार आपको, ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें, सौंट भी होता है, जायफल भी होता है इसमें, बख्श भी होता है, और पीपली भी होता है, हल्दी भी होता है, मुलैठी भी होता है, बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं जो कि आप अपने बच्चे को जो भी समस्या होती है उसके लिए बना के दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको इसमें निकाल के दिखा दी हैं, और इनके नाम भी किताब में आप पढ़ सकते हैं, लिखे हुए हैं किताब में। तो आज मैं अपने बच्चे के लिए कौन सी घुट्टी बनाने वाली हूँ, मैं बच्चे के लिए बनाने वाली हूँ जो भी बदलते मौसम वायरल हो जाता है, जैसे सर्दी जुकाम खांसी हो जाता है, तो उसके लिए केवल इन 5 चीज़ों का यूज़ किया जाता है। तो मैं आगे आपको बताने वाली हूँ कि वीडियो में ये कैसे बनाना है, तो आप वीडियो में बने रहिएगा अंत तक और जानिएगा इसे कैसे बनाना है, कितनी मात्रा में देना है और कब देना है, कितनी बार देना है, ये सारा मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बनाने के लिए सबसे पहले हमें इस तरीके का ले लेना है, ये इजीली मार्केट में मिल जाता है, जैसे हम चंदन वगैरह घिसते हैं या साफ कोई भी इस तरीके का चकला आप ले सकते हैं जिसमें ये इजीली घिस जाए। उसके लिए हमें थोड़ा सा चाहिए गर्म पानी, यानी गुनगुना पानी हमें लेना है। आप इसे दूध में भी बना सकते दे सकते हैं घुट्टी को, लेकिन हम ये खांसी जुकाम के लिए बना रहे हैं तो इसे हम गुनगुने पानी में बनाएंगे, दूध में नहीं बनाना है। तो सबसे पहले हमने ले लिया यहाँ पे पीपल, जो हिंदी में इसे पीपल बोलते हैं, पीपली भी बोलते हैं इसे। तो सबसे पहले इसे हम घिस लेंगे। अभी यहाँ पे मैंने दूसरी चीज़ ले ली है, थोड़ा थोड़ा करके हमें पानी ऐड करते जाना है, घिसते जाना है। तो यहाँ पे मैंने ले ली है मुलैठी, इसे भी हम घिस लेंगे, थोड़ा थोड़ा सभी चीज़ों को घिस लेंगे। ये तीसरी चीज़ मैंने यहाँ पे ली है, इसे बख्श बोलते हैं, तो इसको भी हम थोड़ा घिस लेंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से इसे रब करते हुए घिसते जाना है, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे, दो दो तीन तीन बूंदें, और इसे घिसते जाएंगे। अब ये हमने चौथी चीज़ ले ली है,
इसे बोलते हैं काकड़ शिंगी, इसे भी हम थोड़ा सा घिस लेंगे। अब हमने पांचवी चीज़ जो ली है वो है सोट, सोट को भी हम इस पर घिस लेंगे। और सारी चीज़ों को अच्छे से घिस के एक हमें पेस्ट सा बना लेना है। तो ये देखिए हमने सारी घुट्टी को घिस लिया है, अब ये पेस्ट सा बन गया, इसे हम इस चम्मच में निकाल लेंगे। और चम्मच में निकाल लिया है हमने इसे, अब हमें इसमें इसे ऐसे ही नहीं देना है बच्चे को, हमें इसमें शहद ऐड करके देना है। तो इसमें हम थोड़ा सा शहद ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, बिल्कुल थोड़ा सा शहद को ऐड कर लेंगे, शहद यानी हनी, हनी हमें इसमें मिलाना है। और अब उंगली की सहायता से हम इसे मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये जो घुट्टी है इसमें शहद अच्छे से मिक्स हो जाए। अब ये देखिए बिल्कुल रेडी है बनके। तो ये देखिए इतनी मात्रा में हमको देना है। अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा सर्दी खांसी जुकाम है बच्चे को, तो आप इसे एक दिन में 3 बार दे सकते हैं, सुबह दोपहर शाम। तो आप इसे 3 टाइम दीजिएगा बच्चे को, तो इससे जल्दी आराम मिलेगा। अगर बच्चे को ज़्यादा नहीं है सर्दी जुकाम, तो आप उसे सुबह और शाम को दे सकते हैं, एक बार रात को सोने से पहले और सुबह मॉर्निंग में दे सकते हैं, 2 टाइम आप इसे दे सकते हैं। अगर ज़्यादा है तो 3 टाइम देना है। तो आप इस तरीके से बना के अपने बेबी को ये घुट्टी पिला सकते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहती है। इससे बेबी को आराम भी मिलता है, रिलीफ रहता है काफ़ी, और बेबी का मूड भी अच्छा रहता है। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।